चलो ये सही है, खुद को कुछ वीडियो का आइडिया ना आए तो मम्मी को कैमरा के सामने बिठा दो। इफ यू वांट टू बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई एम ऑनलाइन, क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट। आज मैं करूंगी मेरी वो अनानास बेटी का इंस्टाग्राम पे रिएक्शन। मैडम अपना फोन भी छोड़ के गई है। हाँ आपको पता है मेरी बेटी ने ना मेरे को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन आज वीडियो बनाने का है तो मम्मी की याद आ गई तो मम्मी को इंस्टाग्राम दिखा रही है। हाँ ये आजकल के बच्चे, चलो देखते हैं। ये देखो पहला फोटो, हाय हाय जमीन पर लेट गई, पूरे का पूरा जमीन पे लेट गई। करे छे आ छोकरी, इसको अभी पोछा मारने को बोलो, फिर देखना कितने नखरे दिखाती है। सारे घर का झाड़ू पोछा मेरे को करना पड़ता है, और इसको देखो जमीन पे लेट के बड़ी मॉडल बनी बैठी है। ये देखो ये क्या है, वाह 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 रे बेटा वाह, मेरे को बोलती है बहुत पढ़ाई बाकी है, पढ़ाई करने जाना है। और ये देखो पढ़ाई के नाम पे क्या क्या गुल खिलाती है मेरी बेटी। इतना सारा मेकअप करके मुंह पे बुक चिपकाएगी तो बुक की क्या हालत होगी मेरे को बताओ जरा। ये आजकल के बच्चों को ना विद्या की, संस्कारों की कोई वैल्यू ही नहीं। ये ऐसे करके एग्जाम में पास होने वाली है क्या? आने दो इसको वापस, आज तो क्लास लेनी ही पड़ेगी। ये देखो एक और, अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसे लेटे लेटे कोई पढ़ाई करता है क्या? अब मेरे को समझ में आया कि इसके दिमाग में कुछ घुसता क्यों नहीं है। अरे ये वाले में तो वो तारे जमीन का है ना, वो दर्शिल सफारी एकदम वैसी लग रही है। उसी की तरह डिस्लेक्सिक हुई तो हटा, दूसरा दिखाओ। ये देखो ये बैठने की तक तमीज नहीं है, ऐसे कोई फोटो खिंचवाते क्या? नहीं, क्योंकि फोटो खिंचवा रही है या संडास जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इसको ना कुछ नहीं आता, लड़कियों को कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे शर्माना चाहिए, कुछ आता नहीं इसको। कैसे करवाऊंगी इसकी शादी पता नहीं मेरे को। ये क्या है, ये क्या कपड़े पहने, इसके नीचे का कहाँ है? हटाओ हटाओ इसको हटाओ। हाय हाय आहू बधु, इंस्टाग्राम पर मुकी ने मारी आखी नाक कटावी दीदी छे आ छोकरी। गाम मा बधा सु सोचता हशे, आहू आहू मुकी छे आज तो, आज देखना मैं क्या हाल करती हूँ आज। ये देखो ये की... देखा ना आपने, देखा दोनों भाई बहन मिलके कितना परेशान करते हैं मेरे को। या मैं सारा दिन बैठ के साफ सफाई करके थकती नहीं कि ये लोग दीवारों पे जाके सेफ्टी पिन चिपका रहे। अभी सेलो टेप डालेंगे दीवार पे और सारा कलर निकल जाएगा। तो कॉमन सेंस नाम की जो चीज होती है ना मेरे दोनों बच्चों में है ही नहीं। आज आंसू छे, ये कैसे किया इसने? हाय हाय हवा मां की के उड़े छे। सू छे आ बधु, ऐसा थोड़ा दिमाग ना काम या पढ़ाई में लगा दे तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन नहीं, यही सब करना है ना इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ। देखो ये देखो, हाउ आई स्टार्ट माय डे इन लॉकडाउन। यही होता है, रोज यही करती है ये, उठने का नाटक करेगी और फिर जाके वापस बिस्तर पे मरेगी। मम्मी तो है ना, मम्मी करेगी सब। ये देखो देखा ना, देखा आपने, बनने छोकरा और आतना बार बार वाग्या तक जागी रहे, खबर नहीं यार सुबह जो है रात देर तक टीवी देखेंगे और फिर रोज दोपहर को 3 बजे उठेंगे। क्या मजे है ना इनके, आज तो दोनों की खबर लेनी पड़ेगी। हाँ ये वाला देखते हैं। और ये लॉकडाउन में तो मतलब और भी, बिस्तर पे उठना, बिस्तर में खाना, बिस्तर में टीवी देखना, बिस्तर पे काम करना, वीडियो बनाना और वापस बिस्तर पे सो जाना। मोटी हो जाएगी ऐसे करते करते, देखना ये वाला क्या है, ये देखते हैं। अरे ये तो ये मेरी वो कुमार सानू वाली सीढ़ी है जो खो गई थी। मैं पिछले 3 दिनों से रोज ये सीढ़ी ढूंढ रही हूँ और ये मैडम ने मेरी सीढ़ी चुरा के
फोटोशूट की है। पूछा था मैंने इसको कि मेरी सीढ़ी कहीं पे देखी है, तो मुँह से इससे बोला भी नहीं जाता कि हाँ मम्मी मैंने ली है। आधी बात तो मेरी सुनती नहीं है, अपनी दुनिया में रहती है। पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबे रहती है पूरे पूरे दिन। क्या बोलते हैं उसको, डे ड्रीमिंग। हाँ आज तो ना बराबर खबर लेनी पड़ती है छोकरी ने। चलो बस हाँ बस, मेरा तो हो गया, मैं अब और नहीं देख सकती ये सब। लेकिन हाँ जो भी है ना, वो आजकल अपने इंस्टाग्राम के वो फोटोशूट पे बड़ी मेहनत कर रही है, तो आप लोग ना प्लीज उसको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर देना, 8 Laughing Ananas, वरना वो आके मेरा दिमाग खा जाएगी कि मम्मी इतनी मेहनत की है फिर भी कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो आप लोग ना प्लीज थोड़ा थोड़ा कर लो फॉलो, क्योंकि मेरे पास ना इन सब के लिए अब टाइम नहीं है, मेरी भी कोई लाइफ है। पता नहीं उसको ये नया शौक चढ़ा है इंस्टाग्राम के फोटोशूट का। आपने तो देखा ही होगा ना, रोज वो यूट्यूब पे भी वो पिक्चर डालती रहती है। तो हाँ आप देख लेना और उसको जाके वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। और हाँ उसने मुझे ये बताने को भी बोला है कि उसका वो पहले वाला वीडियो ना यहाँ पे देख लेना। चलो हाँ तुम्हारी साथ बातों करी ने मने मजा तो बहु आ। तमे बद्दा सुखी रहेजो, मजा मा रहेजो, मस्त रहेजो। हूँ छू अनानस नी मम्मी, हंसता रहेजो।